आईपीएल इतिहास का सबसे घातक मैच आखिरी ओवर में चाहिए थे। 21 रन कर्ण शर्मा ने 3 छक्कों से पलट दिया था। पूरा मैच जीतकर भी कैसे हार गई आरसीबी। गौतम गंभीर की अटक गई थी सांसें, पाटीदार और विलजैक ने खड़ा कर दिया था तूफान। फिर रसल मसल के चमत्कार ने जीता दिया केकेआर को हारा हुआ मैच। डीके पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप। किंग खान ने कार्तिक को दिए थे 10 करोड़ रुपए। वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जानबूझकर हरवाया आरसीबी को मैच। ईडन गार्डन के ऐतिहासिक मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था तो गौतम गंभीर को भी पूरा यकीन हो गया था कि इस मैच में केकेआर आरसीबी को बुरी तरह से हरा देगी। और हुआ भी कुछ इसी तरह का। विराट कोहली और फाफ डू प्लेसी शुरू के ओवर में ही आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन उसके बाद विलजैक और रजत पाटीदार का ऐसा तूफान आता है कि पूरा ईडन गार्डन कांप उठता है। विलजैक और रजत पाटीदार ने इतने छक्के मारते हैं कि केकेआर के सभी गेंदबाज मैदान पर ही रोने पर मजबूर हो जाते हैं। इस मैच में विलजैक के बल्ले से काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है। पहली बार विलजैक का बल्ला इस टूर्नामेंट में बोलता है। इस मैच में विलजैक ने सिर्फ 32 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं, तो वहीं पर रजत पाटीदार तो विलजैक से भी 2 कदम आगे निकलते हैं। रजत पाटीदार ने इस मैच में सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए 52 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। इस दौरान रजत पाटीदार के बल्ले से भी 5 लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी हो जाती है। यहां से ऐसा लगने लगता है कि आरसीबी इस मैच में केकेआर को आसानी से हरा देगी, क्योंकि जिस अंदाज में विलजैक और रजत पाटीदार बल्लेबाजी कर रहे थे, केकेआर के हर एक गेंदबाज के सामने आसानी से लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, जिसको देखने के बाद केकेआर के हेड कोच गौतम गंभीर की हालत खराब हो गई थी। गौतम गंभीर रोने पर मजबूर हो गए थे। जब रजत पाटीदार और विलजैक गेंद के धागे खोलते हुए केकेआर के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे और केकेआर को मैच से काफी ज्यादा दूर कर रहे थे, उस समय केकेआर के आधे सपोर्टर केकेआर को मैच हारा हुआ मानकर स्टेडियम को छोड़कर अपने घरों को जा चुके थे। डगआउट में बैठे गौतम गंभीर को भी पूरा यकीन हो गया था कि अगर यह दोनों बल्लेबाज इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो केकेआर को इस मैच में शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, तभी रसल मसल का एक चमत्कारी ओवर आता है और रसल मसल ने एक ही ओवर में आरसीबी के 2 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। यहां से आरसीबी के बल्लेबाज इस तरह से आउट होते हैं कि जैसे ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो जाते हैं और देखते ही देखते आरसीबी के 7 विकेट गिर जाते हैं। आखिरी ओवर में आरसीबी को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन नज़र सा आ रहा है, क्योंकि सामने गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के इस ओवर के पहली ही गेंद पर कर्ण शर्मा ने शानदार छक्का जड़ देते हैं और दूसरी गेंद बीट हो जाती है। तीसरी गेंद पर कर्ण शर्मा ने फिर छक्का जड़ देते हैं। दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज मिचेल स्टार्क के इस ओवर में कर्ण शर्मा ने 3 छक्के जड़ देते हैं। हालांकि कर्ण शर्मा आरसीबी को मैच नहीं जिता पाते हैं और आरसीबी को केकेआर के हाथों 1 रनों से हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन कर्ण शर्मा ने आखिरी के ओवर में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से आरसीबी फैंस का दिल जीतने का काम किया है। सांसें रोक देने वाले मैच में आरसीबी की टीम को केकेआर के हाथों 1 रनों से शर्मनाक तरीके से हार मिलने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर आरसीबी के फैंस दिनेश कार्तिक को ही हार का असली गुनहगार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिनेश कार्तिक ने इस मैच में फिक्सिंग किया हुआ था। दिनेश कार्तिक 1 रन क्यों नहीं ले रहे थे, जबकि साफ साफ 1 रन नजर आ रहा था। अगर दिनेश कार्तिक स्ट्राइक ले लिए होते, कर्ण शर्मा को स्ट्राइक दे दिए होते, तो क्या पता आरसीबी 1 रनों से मैच नहीं हारती और आरसीबी को इस मैच में जीत हासिल नसीब हो जाती है।